तो अभी टाइम हुआ है, कितना हो गया, 10 बज गए और हम रामदारा से नीचे से फिर रामदारा चढ़े, उसके बाद फिर हम मल्हारगढ़ तक पहुंच गए, पीछे मल्हारगढ़ है। वापस अभी यहाँ से जाएंगे रामदारा, फिर वापस रामदारा नीचे। और बहुत ही ये ट्रैक मेरे लिए बहुत अच्छा इंजॉय हुआ, मेरे को बहुत फीलिंग से बहुत अच्छा मजा आया, बारिश वगैरह मौसम वगैरह। और हमने यहाँ पे स्टे किया, स्वर्ग देखा हमने, यहाँ पे जन्नत भी देखी हमने, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जन्नत दोपहर भी थी, दोपहर भी थी। क्या बोला तूने? राम राम सभी भाइयों ने, आज का जो हमारा ट्रैक है वो सीधा हम तिल्ला चढ़ेंगे रामदारा, फिर उधर से ही पहाड़ों के अंदर से जाएंगे मल्हारगढ़, वापस ट्रैक करके आएंगे रामदारा, उसके बाद आएंगे नीचे रामदारा। मिस्टर सूरज, आप क्या महीने भर के लिए जा रहे हैं? उधर तपस्या करने वाले क्या? बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते होंगे। प्रतिशत रामदारा चढ़ने के बाद हमने लिया थोड़ा विश्राम, किया जल का सेवन और देख के नजारे और फिर चल पड़े। ये हमारा फर्स्ट स्टेज पूरा हुआ, अभी हम जाएंगे इधर से मल्हारगढ़ 10 किलोमीटर, फिर वापस उधर से आएंगे। 10 किलोमीटर तो वहाँ जोर जोर से बोल के सबको इसके बता दे, हेलो ये कुत्ता बोला था, ये 30 बोला तो 10 10 20 5 5 अबे अच्छा आता अपन आलो रामदारावर, आधी तू आपल्याला जायचं मल्हारगढ़ावर, ठीक आहे आणि गौरवच्या पण हातात लागलाय तरी तो आलाय, ठीक आहे समज घ्या, अशी जिद्द ठेवा सगळ्यांनी। सर माझं काय, ट्रेकिंग करा, फिटनेस राहा, फिट राहो, इंडिया फिट तो हम फिट, हम फिट तो इंडिया फिट। चुप चुप के देखी होगी, उसमें जो राजपाल यादव है वो कैरेक्टर से भी रियल जिंदगी में ये रोल प्ले करता है, वो बांडिया की बांडिया ही है हमारे ग्रुप का। ये कौन डागरा चलेगा, डागरा चलेगा, चाहिए चेक। इन छोटे मोटे प्रोग्रामों से कितना कमा लेते हो? हमारे ग्रुप का आशिकी 2 नहीं, तेरे नाम वाला वो है, तेरे नाम कबीर, कबीर सिंह। क्या बोला तूने? दिल टूटा हुआ है। तेरे नाम में कौन कबीर सिंह जावे, लॉजिक वाली बातें क्या करो यार। एक तो ये कौन सा कंटेनर भाई, बहुत ही सुंदर पत्थर से किसी ने राम सीता लिखा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखकर। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा, इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है। वाह ब्रो वाह, त्याच्यापेक्षा बक्स म्हटला असता तरी चालला। एट और नाइन्थ और टेंथ के 9 बच्चों का ग्रुप हमारे पीछे से आगे आगे चला गया, बहुत खुशी हुई, ये लोग भी रामदारा टू मल्हारगढ़ के लिए ट्रैक के लिए निकले हुए। और इससे खूब सुंदर है और वातावरण भी बहुत सुंदर है, भगवान ने हमारी इतना खूबसूरत हो चुका था, बहुत ही भगवान ने हमारी सुन ली, हल्की हल्की बारिश और पूरे बादल ही बादल आ रहे थे और बहुत ही इंजॉय हो रहा था, मजा आ रहा था ट्रैक करने में। चलो चलो सर, इंजर बहुत मजा आ रहा था, बारिश की वजह से बादल आ गए थे तो मल्हारगढ़ थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था, पर हम पहुंच रहे थे और बहुत ही मजे करके एंजॉय करते हुए पहुंच रहे थे। हम
भाई मुझे मल्हारगढ़ बहुत ही नजदीक आ गया था और हमने पहली बार ये इतनी लंबी ट्रैक किया। हर बार हम छोटे छोटे ट्रैक करते थे, बहुत ही खुशी हो रही थी और हमें भी लगा था हम पहुंच पाएंगे इतना जल्दी, लेकिन फिर भी पहुंच गए। तो फाइनली हम पहुंचे पिछले दरवाजे से अंदर और छत्रपति शिवाजी महाराज के दर्शन और मंदिर में भी दर्शन किए महादेव और खंडोबा के। प्रवेश भाई ने दिया सरप्राइज, लेके आए थे सुखी बेल, तो हमने बेल बनाई। एक तेरा बराबर, एक मेरा बराबर, दो तेरे बराबर, एक दो मेरे बराबर, तीन तेरे बराबर, एक दो तीन, तीन हिसाब बराबर बराबर, ऑल ओके ऑल ओके, चलो चल चलो, तेरा बराबर, एक बराबर, दो तेरा बराबर, दो मेरा बराबर, तीन तेरा अबे साले कभी मैं माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। हम खड़े मल्हारगढ़ के बीचों बीच और यहाँ पे कुछ और भी लोग आए हैं जो ट्रैक करने और घूमने और पिकनिक मनाने, और यहाँ से दिख रहा है हमारा भगवा झंडा बहुत ही चांद से लहरा रहा है। सब सामान पैकअप करके हम वापस रामदारा निकल चुके हैं, मल्हारगढ़ के बैक साइड वापस आ चुके हैं और ये सामने दिख रहा है जो हमें पूरा पार करना है और पहुंचना है रामदारा। आते समय भी पूरा मौसम इतना सुहाना था, पूरे बादल आए हुए, हल्की हल्की बारिश और अपने मनपसंद गाने सुनते हुए हम निकल रहे मल्हारगढ़ टू रामदारा वापस। सच बता रहा हूँ सच, इतने प्यारा मौसम, इतने मस्त पहाड़ों में, इतना सुकून और इतना जन्नत है ना, प्लीज आप भी घूमे जाए और पहाड़ों में और एक दिन निकाले, एक दो घंटा ट्रैकिंग वगैरह करें, बॉडी को फिट रखे, हेल्दी रहे और ऐसे ही घूमते रहे और एंजॉय करें। फाइनली हमारा ट्रैक हुआ पूरा, हम पहुंचे राम मंदिर में नीचे रामदारा। बहुत ही ज्यादा क्राउड था और बहुत ही सुकून वाली जगह, इसलिए लोग बहुत ज्यादा घूमने आते हैं यहाँ पे। सो प्लीज सब सबर कराए सर।